कहानी की शुरुआत में हमने के एक लड़का और एक लड़की दिखाई जाए जो समुन्द्र में गेल रुए मामू कांड पकड़े माधर जो समुन्द्र गेल रुए और तभी दोनों को एक आइलैंड दिखा है जकरा देख के वो लड़का और लड़कियां दोनों वहां रुक जाती। अब इधर ही लड़के जब तक नावा बांधु है तब तक वो छोड़ी जंगलों में अकेले घूमेल चल जाए और किसी अनजान चीज के शिकार हो जाए और लौड़े लग जाए। अरे आदमिया के बस वो लड़किया के चीखे सुनाई दुए ठीक हो रहे माधर चित वाली अकेले जाए। इस हादसे के कुछ दिनों के बाद दो भाई मैट और जॉन अपन कुछ दोस्तों के साथ एक प्लेन से उसी आइलैंडवा पर आवो है अपन छुट्टियां बीतवे खातिर। दरअसल ये पूरा आइलैंडवा ओकर चचवा के हले जगह कुछ ही दिनों पहले मौत हो गए हले। आइलैंडवा पर पहुंचे के बाद इन लोग सब गोटा अपन जहाजवा के किनारे पर लगाकर अपन चचवा के बनाएल एक केबिन में चल जाते। अब अगले दिन सब गोटे जखने पनियम नहाप करल थे तखनिया अखनी के छोटा सा एक कुकरिया का बचवा दिखा है जो बहुत मासूम रो और मासूमियत देकर अखनी अपन साथ ओकरा ले आवो है। पर कुछ देर के बाद वो कुकरा का बचवा अचानक से केबिन के बाहर भाग जाए। अब सारा और जॉन ओकरा बाहर जब देखो तो ओकर पीछे जाए और वो कुकरिया का बचवा एक जगह जाकर बैठ रू है और ये लड़कियां कुर 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 करले करले वो बचवा के पास जाए और तभी अगर नजरिया वहां मौजूद एक शिकारी कुकुर पर जाए और देखते देखते वो कुकरा ओकरा पर हमला कर दू है और सारा के कैट लू है। लेकिन जॉन सारा के किसी तरह वो कुकरा से बचवो है और दोनों आपस केबिन में आ जाए। अब सब गोटे इस हादसे के नॉर्मल समझ के टैल दू है और अगर बारे में ध्यान न दे क्योंकि लौड़े लागे वाला है। अगली सुबह सब गोटे घूमे खातिर बाहर निकलो थी तभी ओकरा एक खून से लथपथ एक आदमी मिलू है जो मूवी के शुरुआत में हमने के बीवी के साथ इस आइलैंड पर आयल हल है। वो आदमी अखनी की चेतावनी दिए की कोशिश करो की जितना जल्दी हो सको यहाँ से भाग जो और तभी एक शिकारी कुकुर के झुंड उस आदमिया पर हमला कर दू है और सारे कुकुर मिल के वो आदमिया के अखनी सामने खा लागू है। अब ये देखकर सबके गांड फट जाए और सब गोटे अपन केबिनिया की तरफ भागे लागू पर तब तक बहुत देर हो गए कुकरा अखनी पीछे कर ले वहाँ आ जाए। अब अखनी सब और केबिन में घुसे लागू लेकिन घुसने से पहले एक कुकुर निकी के पैरवा पकड़ लू है और अगर खींचे लागू है अपन साथ ले जाए खाती कहीं लागे खोजू धीच ठोकाई करे खोजू होगी। लेकिन तभी जॉन ये सब देख कर एक तीर उठू और बहुबली बनने की कोशिश करो धीच वाला और वो कुकरा पर निशाना लगू है जो निकी को गोड़ा पकड़ कर टानअप करो ले और बाद हमला करो लेकिन कुकरा तो ना लगे लेकिन निकी के पैरवा में लग जाए और पैरवा में तीरा पूरा घुस जाए। पर किसी तरह से अखनी सब मिल के कुकरा से छोड़वू थी और ओकरा लेके तुरंत केबिन के अंदर चल जाए। अब सब गोटे बाहर देखो है कि कुकरन धीचौदन चारों तरफ से घेर ले अखनी की और तभी सब गोटे वो आइलैंड के छोड़े के फैसला करू है और तभी अखनी देखो थी कि जहाजवा जो रसिया से बांध ले है वो रसिया कुकरन काट दले और जहाजवा बह के समुद्र की तरफ जाप करू है। अब जॉन जहाजवा के समुद्र की तरफ जाता देख कर पानी में कूद जाए और तैर कर पलेनवा के पास जाके कोशिश करू है पर जॉन में देखो कि कुछ कुकुर अगर जहाजवा पर बैठल है और तभी कुकुरों भी जॉन के देख लू है और पनिया से कूद के जॉनवा की तरफ बढ़े लगो अगर काटे खातिर भोंसड़ी वाले कुकरन माधरचोद पर जॉन किसी तरह से पानी से तैर के बाहर निकल जाए और सब वोटे केबिनवा के अंदर भाग जाए। अब इधर सारा के बर्ताव भी वो कुकरा के काटे की वजह से बदले लागू है। अब अखनी के समझ ना हुआ कि आगे अब की करिए और तभी अखनी के याद आऊ है कि अगर चचवा के यह आइलैंड पर एक ट्रेनिंग कंपाउंड भी है जहाँ जाकर वो रेडियो से मदद बुला सकू है। कंपाउंड में जाए खातिर अखनी सब वोटे तुरंत निकिया के केबिन के बगल वाले गैरेज से कार लाने खातिर भेजू है पर निकी जब कार स्टार्ट करे की कोशिश करू तो गाड़िया ना स्टार्ट हो और तखनी वहाँ बहुत सारा कुकुर आ जाए निकिया के काटे खातिर जिस वजह से निकिया के मजबूरन वो गाड़िया छोड़ के वहाँ से भागे पड़ू है न तो कुकरन निकिया के सटाए के पहले रहे। अब सारा आइडिया जब नाकाम हो जाए तब अखनी के टेंशन हो जाए और वो टेंशन कम करे के लिए रतिया के पार्टी करो थी पर तखनिया बिजली चले जाए जगर वजह से पूरे केबिन में अंधेरा हो जाए। तजे कलक्का छोड़ा हो नोहा वो केबिनवा के बेसमेंट में जाए पावर सप्लाई चेक करे खातिर पर करुआ छोड़ा इस बात से अनजान रू है कि बेसमेंट भी अब सेफ ना रहा है और वहाँ कभी भी गान मरा जीते और यह हो कि वो कुकरन किसी तरह रास्ता बनाकर बेसमेंट में घुस जाते सारे। अब करुआ वहाँ जैसी है ओकरा पर कुकरन हमला करके ओकरा जान से मार दो थी और ओकर तुरंत बाद वो कुकरन मेन केबिन तक पहुंचे खातिर रास्ता ढूंढने लागू थी और वहाँ पहुंच भी जाती और अचानक से सब पर हमला कर दू है। अब सबके गांड फट जाए लेकिन वहाँ से किसी तरह से बचकर केबिन के छत पर ओखनी चल जाती। अब छतवा पर गेला के बाद ओकर अंकल के कुछ पेपर मिलो ओखनी के जगरा से ओखनी पता चलो कि पूरा आइलैंड एक समय आर्मी कैंप हुआ करोल है जिसमें ओखनी शिकारी कुत्तों पर एक्सपेरिमेंट करोल है और उन्हें ट्रेनिंग दोल है पर कुछ कारण से वो कैंप बंद हो गया और पूरे आइलैंड पर कुत्तों ने कब्जा कर लिया मतलब जे यहाँ आते है कुकरन और गड़िया फाड़ के मारते। अभी आइलैंड की हकीकत जाने के बाद मैट और जॉन अगली सुबह फिर से एक बार वो गड़िया स्टार्ट करने की कोशिश करो थी और बड़ी मुसीबत से वो अखनी अपन गड़िया बचा के गड़िया के स्टार्ट कर लो और जब गड़िया स्टार्ट कर लो है तो दोनों गोटे मैट और जॉन वापस गड़िया लेके केबिन में जाए निकिया के और सारा के लिए खातिर पर निकिया अखनी के बतवू कि सारा अखनी के साथ ना जल चाहो है। निकी के बात सुनकर जॉनवा केबिन के अंदर जाए सारा के लाने खातिर पर दोनों जब आपस में बात करो तभी एक कुकुर ओकर रूमा में घुस आवु है जगरा देख के सारा के बहुत गुस्सा हुआ और वहां से भागे के बजाय वो कुकरा से लड़े लागू है और वो लड़ाई में सारा केबिन से नीचे
नीचे गिर जाए और मर जाए। मर गया मदर चोद ला 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 ला। सारा के मरने के बाद मैट जॉन और निकी कंपाउंड की तरफ निकल जाए, पर कंपाउंड पहुंचने पर अग्नि के पता चलो कि एंटीना पावर सप्लाई से डिसकनेक्टेड है। अब जॉन में तुरंत ही एंटीना को पावर सप्लाई देने के लिए बाहर लगल एक टावर पर चिढ़ जाए। इधर कम्युनिकेशन रूम में मैट को महसूस होता है कि अगर कुकरन ये इस जगह से भागे जानो तो वापस भी आवे जरूर जाने थे। तभी बाहर जॉन जैसे ही एंटीना को पावर सप्लाई दो है और जोर से बिजली का झटका लागू है और वो टावर पर से नीचे गिर जाए। जॉन के नीचे गिरते ही वहाँ मौजूद सारे कुकुर ओकरा पर हमला कर दो है, पर तभी मैट वहाँ आ जाए और सारे कुकुरन के बेसबॉल बैट से मारे लागू है। इधर कम्युनिकेशन केबिन के अंदर पावर सप्लाई अचानक वापस शुरू होने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाए और केबिन में आग लग जाए और निकिया इस चीज का फायदा पूरा उठू है और अंदर मौजूद सारे कुकुरन के जला दू है। साले कुकुरन मर माधर चुद वाले। आग की वजह से कंपाउंड के अंदर बहुत जोर से धमाका हुआ जिससे बाहर मौजूद सब कुकुरन कुछ देर के लिए शांत हो जाए। इसी बीच जॉन में मेट की बतबू है कि समुन्द्र के किनारे एक बोट देख ले लिए जिसे वो अभी भी इस आइलैंड से बाहर निकल सकू है। तभी इनकी नजर उन कुत्तों पे वापस पड़ू है और अखनी देखो थी कि जे कुकरन शांत हो गए वो वापस हरकत में आ रहा है, पर इससे पहले वो कुत्ते इसके साथ कुछ बुरा करते। निकी कार लेके वहाँ आ जाए और ये बिना टाइम गवाए उस कार के अंदर बैठकर वहाँ से निकल जाए और गड़िया के बिना रोके बोट के पास ले जा करके पानी में कुदा दू है और तैर कर बोट के पास जाए और फाइनली वहाँ से बच करके अखनी सबोरे निकल जाए। तो दोस्तों कैसा लगलो ये एक्सप्लेन के वीडियो देखे में, अगर मजा आ रहा तो ऐसने ऐसने वीडियो देखे खातिर हमारे चैनल के गणिया में उंगलियां डाल के सब्सक्राइब जरूर कर लियो थी चौदह वाले। कहे के लिए हर संडे और मंडे के सुबह 10 बजे एक धमाकेदार वीडियो अपलोड हो सुबह 10 बजे। तो चैनल गणिया में उंगलियां डाल के सब्सक्राइब मार क्रैक से।